तो ये पैक मेरा बनके रेडी हो चुका है। अभी चलिए मैं दिखा देती हूँ इसको कैसे आपको इस्तेमाल करना है। वॉचिंग स्पेशल केयर वन सेल्फ और मैं हूँ आपकी दोस्त शीशा। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे ग्रैंड मदर का एक नेचुरल ब्लीच यानी नेचुरल नुस्खा जो फ्रेंड्स आपकी स्किन को फेयर बनाता है, आपकी स्किन का दाग धब्बे को मिटाता है, आपकी स्किन का रिंकल को मिटाता है। और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये जो नेचुरल ब्लीच है ये एक एंटी एजिंग के काम करता है, ये आपकी स्किन को टाइट भी बनाता है। फ्रेंड्स ग्रैंड मदर मेरे जो थे उनके बारे में मैंने तो इससे पहले वीडियो में बहुत सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर किया है, तो आज मैं वो सब डिटेल्स नहीं शेयर कर रही हूँ। तो जो लोग भी मेरे ग्रैंड मदर के फैन हो चुके हो यानी उनके टिप्स के फैन हो चुके हो वो आज का रेमेडी जरूर इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा लें। फ्रेंड्स ये रेमेडी बहुत ही असरदार है। जो लोग बहुत जल्दी से स्किन टोन को लाइटन करना चाहते हो, स्किन का दाग धब्बे को मिटाना चाहते हो और उसके साथ ही साथ यंगर दिखना चाहते हो, स्किन का रिंकल को मिटाना चाहते हो और स्किन को टाइट बनाना चाहते हो, वो इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स इस रेमेडी को मैं बनाने के बाद अपने फेस में लगा के भी आपको दिखा दूंगी इसका क्या इंस्टेंट रिजल्ट आता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स इससे देखने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ बेल बटन को भी क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि फ्रेंड्स मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाऊं उसके तुरंत बाद आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरे हर वीडियो को फर्स्ट टाइम ही देख पाओ और उसका फायदा ले पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी शुरू करते हैं, देख लेते हैं मेरे ग्रैंड मदर का ये सीक्रेट ब्लीच या एंटी एजिंग नुस्खा। इस टिप्स को बनाने के लिए पहले मैं ले रही हूँ टमाटर। फ्रेंड्स ग्रैंड मदर का जब नुस्खा है तो ये घरेलू नुस्खा ही होगा यानी ये किचन वाला इंजन से ही बनेगा क्योंकि आए के दिन में तो सब कुछ मिलता नहीं था, जो भी मिलता था वो किचन में ही मिलता था और किचन का चीज इस्तेमाल करूंगी मैं इस टिप्स में। इसके लिए मैं पहले ले रही हूँ टमाटर। टमाटर फ्रेंड्स आपकी स्किन टोन को लाइटन करने के लिए हेल्प करेगा, आपके स्किन का दाग धब्बे को मिटाएगा, टैन को मिटाएगा। तो आपको लेना है टमाटर का जूस एक चम्मच, तो ये लगभग एक चम्मच मैंने टमाटर का जूस लिया है। नेक्स्ट मैं इसके साथ जोड़ूंगी लेमन का जूस। लेमन का जूस भी आपको एक चम्मच लेना है। लेमन फ्रेंड्स हम लोग की स्किन को ब्लीच करने में हेल्प करता है, स्किन का दाग धब्बे को मिटाता है, स्किन को ब्राइट बनाता है। तो आपको लेना है एक चम्मच लेमन का भी जूस। जिनके फेस में लेमन सूट नहीं करता है और लेमन को स्किप कर सकते हैं या टमाटर सूट नहीं करता है तो टमाटर को आप स्किप कर सकते हो। तो आपको लेना है एक चम्मच जूस। नेक्स्ट इसके साथ जोड़ना है एक चम्मच कर्ड यानी दही, खट्टा दही। दही फ्रेंड्स बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए, इसमें लैक्टिक एसिड रहता है जो आपके स्किन का दाग धब्बे को मिटाता है, स्किन टोन को लाइटन करता है, स्किन को फेयर स्किन दिलाता है और दही में बहुत सारा मॉइस्चर रहता है जो आपकी स्किन का रिंकल को भी मिटाएगा, स्किन को टाइट भी बनाएगा और स्किन में ग्लो भी लाएगा। तो एक चम्मच दही जोड़ना है और इसके बाद इसके साथ आपको जोड़ना है एक चम्मच गेहूं का आटा। आटा फिर आपकी स्किन टोन को टाइट करेगा, आपकी स्किन का दाग धब्बे को मिटाएगा, स्किन में डिटसेल है तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो एक चम्मच आटा भी मैंने जोड़ दिया। अभी इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी, थोड़ा भी पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ इसी से आपको मिक्स करना है ऐसे ही। तो ये पैक मेरा बनके रेडी हो चुका है। अभी चलिए मैं दिखा देती हूँ इसको कैसे आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स इसे लेके आपको दिन भर में कोई भी टाइम एक बार इस्तेमाल करना है। हर रोज आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, हर रोज आप इस्तेमाल करोगे तो फ्रेंड्स ये आपके स्किन टोन को धीरे धीरे लाइटन करके बहुत ज्यादा फेयर बना देगा, आपकी स्किन को फुल ब्राइट बना देगा, आपकी स्किन में ग्लो ला देगा और स्किन का पुराने से पुराने भी दाग धब्बे को ये रिमूव करने में हेल्प करेगा। और इसे फ्रेंड्स आप लगातार 7 दिन लगाओगे तो 7 ही दिन में आप अपने फेस के कलर में अंतर देख पाओगे।
पहले दिन जब लगाते हो तभी तो आप देख पाओगे 1 से 3 शेड आपकी स्किन टोन लाइटन हुआ है, क्योंकि एक नेचुरल ब्लीच है, तो एक फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करने के साथ ही साथ ये आपकी स्किन टोन को लाइटन कर देता है। और इसे 7 दिन लगातार यूज करोगे तो फ्रेंड्स आपकी स्किन टोन बहुत ज्यादा लाइटन होने लगेगा, आपकी स्किन फेयर बनने लगेगा और आपकी स्किन का रिंकल भी हल्का हो जाएगा और स्किन टाइट भी बनेगा। इसे आपको लगा के कम से कम 1 घंटा अपने फेस में रखना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लेना है। हर रोज नहाने से पहले या रात को सोने जाने से पहले आप इसे लगा सकते हो, 1 घंटा रख के और उसके बाद धो लेना है आपको। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको मॉइस्चर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, पर इसे लगाने के बाद आपको मॉइस्चर लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर मिला हुआ है इस पैक में। ये पैक फुल ड्राई नहीं करता है स्किन को, क्योंकि इसमें हम लोग दही जो रहे हैं, दही में बहुत सारा मॉइस्चर रहता है जो स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर देता है। तो फ्रेंड्स इसे हर रोज लगाओ। मैंने देखिए ये लगा लिया है, अभी का अभी मैं इसको धोके दिखाऊंगी, अभी का भी धोके दिखाऊंगी तब भी आप देख पाओगी स्किन में कितना अच्छा रिजल्ट दिलाता है। तो मैं ये धो रही हूँ, आप देखिए मैंने धो लिया है, आप देख रहे हो मेरी स्किन कितना ग्लो कर रहा है और स्किन पहले से बहुत ज्यादा ब्राइट और फेयर भी लग रहे हैं, स्किन का रिंकल भी हल्का लग रहा है, दाग धब्बे भी हल्का लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था इंस्टेंट रिजल्ट, इसे आप लगातार यूज करोगे तो फ्रेंड्स आपको मिलेगा 100% रिजल्ट। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को एक लाइक करें प्लीज, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर रिटर्न आऊंगी कोई अच्छे से ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।